हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था इंग्लिश ग्रामर के बारे में, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को। फिर हमने देखा था कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, और फिर हमने ये देखा था कि फ्रेज और सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके बीच डिफरेंस, जो कि आपको समझ आ ही गए होगा। आज क्लास में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं इन सब के नाम आपको बताती हूँ। पहला जो काइंड है सेंटेंस का, वो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि नाम से पता चलता है, हम इन सेंटेंसेस को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सेंटेंसेस दैट मेक्स स्टेटमेंट्स और असर्शंस, दे आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई स्टेटमेंट कहें या किसी बात को डिक्लेयर करते हैं या किसी बात को बताते हैं किसी को, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रघु इज अ स्मार्ट बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं रघु के बारे में कि वो एक स्मार्ट बॉय है, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस में हमने कहा कि जो स्काई है वो ब्लू है, तो ये बात हम डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस, विच इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टू इंटरोगेट मीन्स टू पुट क्वेश्चंस। जब हम किसी से सवाल करते हैं, किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, या कुछ जानना चाहते हैं, तो वो बातें आती हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब यह एग्जाम्पल देखिए मैंने जो लिखा है, हमें किसी से किसी का नाम जानना है, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। अगर हमें ये जानने कि वो कहाँ रहता है या उसका घर कहाँ है, सो हम कहेंगे वेयर इज़ योर हाउस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी होंगे तो लास्ट में हम इंटरोगेशन का मार्क ज़रूर लगाएंगे, जिसका मतलब होता है सवाल पूछना। और ऐसे सेंटेंसेस हमेशा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन या फिर हाउ से स्टार्ट करेंगे, जो कि ये शो करेगा कि हम कुछ सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस पर, जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। द वर्ड इम्पेरेटिव मीन्स अर्जेंट और इसेंशियल कॉलिंग फॉर इमीडिएट एक्शन। मतलब इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? इसमें हम कोई कमांड एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी को कोई एडवाइस दे सकते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है गेट आउट ऑफ माई रूम, तो इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि मेरे रूम से चले जाओ। सेकंड सेंटेंस है प्लीज़ कम हेयर। अब प्लीज़ वर्ड क्या शो कर रहा है? रिक्वेस्ट, कि कृपया करके आप यहाँ आए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई सजेशन देते हैं या कोई कमांड देते हैं या कोई एडवाइस, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Sentences that express some strong or sudden feeling of joy, sorrow or wonder, they are called exclamatory sentences. मतलब ये कि जिन sentences में हम कोई खुशी या कोई गम या कोई हैरानी या कोई अचंबा जाहिर करें अपनी बात से, अपनी statement से, तो ऐसे sentences exclamatory sentences कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने इसे समझाने के लिए example लिखा है what a beautiful dress, कि क्या खूबसूरत लिबास है, क्या खूबसूरत पोशाक है या ड्रेस है। वाह, द फूड इज़ डिलीशियस, कि वाह खाना कितना मज़ेदार है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक चीज़ जो आपको याद रखनी वो है एक्सक्लेमेशन साइन, जो कि कुछ ऐसे बनाया जाता है। इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा रहेगा अगर जब तक आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लिखते। तो इस बात का ध्यान आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखते वक्त याद रखना है। और एक और चीज़, जब हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे ये एक अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हम बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब आप थोड़ा स्ट्रेस देंगे, हैरानी या कुछ
हैप्पीनेस या कोई जॉय एक्सप्रेस करने के लिए. अब हम आते हैं अपने लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस में, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम विश और प्रेयर कंसर्निंग सम विश, दे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव. मतलब ये कि इन सेंटेंसेस में हम कोई डिज़ायर या कोई अपनी कोई इच्छा या फिर कोई विश एक्सप्रेस करते हैं. जैसे मैंने समझाने के लिए एक सेंटेंस लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम लंबी उम्र जियो, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, कि ऊपर वाला आप पर बरकतें फरमाए या आपको ब्लेसिंग्स दें. तो इस इन तरह के सेंटेंसेस में हम कोई विश एक्सप्रेस करते हैं या कोई अपनी कोई दुआ देते हैं किसी को. और एक और चीज़, यहाँ पर भी वही वाला एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगता है. तो चलिए कंक्लूड कर लेते हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं कोई. और एक और चीज़, ये सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होंगे. सेकेंड, हमने बात करी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. इसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं या कुछ जानना चाहते हैं सामने वाले से, और इसमें इंटरोगेशन साइन आता है. थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं. फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, इसमें हम कोई सडन फीलिंग सरप्राइज की या एंगर की या पेन की या खुशी की जाहिर करते हैं. और लास्ट हमने जाना ऑप्टेटिव, जिसमें हम कोई विश या फिर डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं. उम्मीद करती हूँ मैंने जो ये आज की क्लास में आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस समझाया वो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.